आज के मैच की कहानी यह है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 3 पॉइंट की तलाश में आज सामना कर रही थी चेन्नई एनएफसी का, लेकिन चेन्नई एनएफसी ने ली बढ़त। चंगते ने स्कोर किया पहला गोल मैच का और डिफेंस एक बार फिर हल्का दिखा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का। बिल्कुल, और यहां पर मौका बनाया मचाडो ने इतने आसानी से एली साबिया को बीट करते हुए। इमरान खान का यह हेडर इक्वलाइजर देता हुआ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को। गोल्स की कमी नहीं थी इस मैच में, जबरदस्त शॉट निकाला लैंजारोटे ने, सेव करने पे मजबूर किया सुभाशीष को, और फिर ये बहुत बड़ी गलती सुभाशीष की, लेकिन पोस्ट बचाता हुआ गोलकीपर को। और उसके बाद ये पावरफुल रन डेशॉन ब्राउन का, दोनों ही डिफेंडर्स एली साबिया और सिपोविच को बीट करते हुए, विशाल कैद को बीट करते हुए बॉटम कॉर्नर में। लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी सी अलग रही, क्योंकि चेन्नई एनएफसी ने 2 गोल जल्दी जल्दी स्कोर किए। पहले ये पेनल्टी, आशुतोष मेहता ने जिस तरह से टैकल किया लालिंजवाला चांगते को, पेनल्टी ली लैंजारोटे ने और आसानी से कन्वर्ट किया उस पेनल्टी को इक्वलाइजर स्कोर करते हुए चेन्नई एनएफसी के लिए। और फिर देखते ही देखते चांगते ने एक और गोल स्कोर कर दिया और चेन्नई एनएफसी ने 3-2 की बढ़त ले ली। बिल्कुल, लालिंजवाला चांगते और लैंजारोटे को चेंज कर ये हुआ, सिला ने पेनल्टी जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, और पेनल्टी स्पॉट पर टॉप क्लास पेनल्टी, कूल कंपोज फिनिश मचाडो का, और इसी के साथ 3-3 की बराबरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और चेन्नई एनएफसी।